हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग कॉन्सेप्ट्स विद रेखा में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आम का जैम। आम का जैम बनाने के लिए मैंने लिए हैं 3 किलो के करीब पके हुए आम। मैंने इनका छिलका निकाल दिया है। कुछ इस तरह से हमने इसे काट लेना है और इसे मिक्सी में इसका बारीक पेस्ट बना लेना है। कुछ इस तरह से हमारा जो पल्प बनेगा वो 2.5 किलो के करीब बनेगा, क्योंकि 0.5 किलो हमारा गुठली में बेस निकल गया और जो हमारे पास जो आएगा ये पल्प वो हमारा करीब 2.5 किलो के करीब होगा। तो मेजरिंग जो रहेगी हमारी चीनी की वो 2.5 किलो के हिसाब से ही रहेगी। अब जितना हमारा ये पल्प होगा उससे आधी हमने चीनी डालनी है। तो हमारा जो पल्प है वो 2 किलो 500 ग्राम है और चीनी हमने इसमें डालनी है 1 किलो 250 ग्राम, और इसे फुल फ्लेम पे रख दें। मैं इसे इंडक्शन पे बना रही हूँ, आप चाहें तो इसे गैस चूल्हे पे भी बना सकते हो, जैसे कंफर्टेबल आपको लगे। अब 5 मिनट हो चुके हैं और इसमें एक उबाल आ गया है। 2-3 मिनट के बाद इसे आपने हिलाते जाना है और साथ में ढक्कन भी लगाते जाना है, क्योंकि जो पल्प होगा वो चटकता है, इसलिए बीच में इसे ढकते भी जाएं और हिलाते भी जाएं। 10 मिनट इसे और पका लिया है, उसके बाद देखिए थोड़ा ये गाढ़ा हो गया है। अब एक चीज़ का ध्यान रखें, गैस की फ्लेम को मीडियम कर दें और इसे लगातार हिलाते जाएं। अभी 5 या 7 मिनट हमने इसे और पकाना है। अब मैं इसमें 2 नींबू का रस डाल रही हूँ। नींबू का रस डालने से एक तो हमारे जैम में गुठली नहीं बनेगी और दूसरा हमारा जैम जो है वो लंबे समय तक खराब नहीं होगा। अब इसका गाढ़ापन और बढ़ रहा है। अब हमने इसे एक बार चेक कर लेना है कि हमारा जैम जो है वो तैयार हो गया है या नहीं। इसके लिए हमारे तेंथे पे लगातार जो है वो एक परत इसकी जैम की बनी रहेगी। ये देखिए, हमारा तेंथा जो है कहीं से भी खाली नहीं होगा, चाहे आप सीधा उल्टा करके भी देख लें तो लेयर जो है इस पे एक लगी ही रहेगी। तो इसका मतलब है कि हमारा जैम जो है वो तैयार हो चुका है। और दूसरा इसे प्लेट पे चेक कर लें डाल के, कि इसकी जो फ्लोइंग कंसिस्टेंसी जो होगी वो धीरे धीरे होगी, मतलब कि जल्दी ये नीचे को नहीं टपकेगा। तो इसका मतलब है जैम तैयार हो गया है। और अब इसे गैस से उतार के ठंडा होने दें। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आजकल आम जैसे सस्ता होता है तो आप 3-4 किलो के करीब जैम बनाइए और बेफिक्र होकर आप इसे फ्रिज में रख दें और 1 साल भर के लिए यूज़ करते रहें। लास्ट में मेरा ये जैम 2.5 किलो के करीब बनकर तैयार हो गया है। आप कोई भी कांच का स्टेरलाइज कांच का जार लें और उसमें इसे डाल दें और 1 साल तक आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हो। दो किलो जैम मैंने जार में डाल दिया है और 0.5 किलो मेरा जो है अभी पैन में बचा है। इसे ढक्कन लगा के उल्टा करके रख दें, इसलिए कि अच्छे से सेट हो जाए। 10 मिनट के लिए ऐसे रखें, उसके बाद इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। फ्रिज में रखे इसे 1 घंटा हो चुका है। अब इसकी शाइन और टेक्सचर देखिए। ये देखिए हमारा जैम जो है वो बनकर तैयार है। इसका कलर, टेक्सचर और शाइन देखिए। आप ही इस तरह से जैम बनाइए और 1 साल तक फ्रिज में रखकर स्टोर कीजिए। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।